नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो जो है ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी टेक्निक आप लोगों को सिखाऊंगी जिसको अपनाकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हैं और इसका रिजल्ट बहुत स्लो हो रहा है। तो आज की जो टेक्निक है इससे मैं बताने का मकसद मेरा यही है कि आप इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को और ज़्यादा आप इसमें स्पीड दे सकते हैं। लेकिन वो कैसे, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जीवन भी ना एक रहस्य की तरह ही है कि इसमें हर एक शब्द, हर एक क्षण, हर एक पल ये रहस्य के साथ काम कर रहा है। दोस्तों हमारा जीवन भी ना चुंबकीय तत्वों से भरा हुआ है। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारी ऊर्जा, ये सारी चीजें जो है ये आकर्षण ही कर रही है। यानी हमारी चारों ओर जो भी चीजें होती है वो आकर्षण के द्वारा ही हो रही है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने इतने सारे कोशिश कर लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा दिल से किया, लेकिन वो चीज कंप्लीट नहीं हुआ या फिर मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन आप गौर करेंगे तो हमारे जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसमें सिर्फ आप सोचने से ही एक पर ही ये नहीं होता है, आपके पूरे बॉडी में ये जो आकर्षण हो रहा है, ये आकर्षण आपकी छोटी 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 इच्छाओं की पूर्ति लेकिन कर रहा है, लेकिन शायद आप लोग हैं कि नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की टेक्निक बड़ी खास है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं। मैं अपने चैनल में कुछ ऐसा नहीं बताती जिसको आप लोगों को करने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो, लेकिन इजी वे में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि मैं बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अट्रैक्ट करती हूँ, और ये मैं सच बता रही हूँ, ये मेरी तीव्र इच्छा शक्ति की वजह से होती है और उस पर मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। सिर्फ टेक्निक्स करेंगे, यहाँ पर नींबू गाड़ दो, यहाँ पर लौंग लगा दो, यहाँ पर ये कर दो, वहां पर वो खेद दो, छत में फेंक दो, ऐसे करेंगे और सिर्फ बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लॉजिक के साथ काम करना है और इसको समझना है कि हर एक क्षण हमारे जो चारों तरफ है ये एनर्जी काम कर रही है। इस एनर्जी को पकड़ना है ना? तो इस एनर्जी को कैसे पकड़ेंगे, अब मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको एक ऐसा खाली स्थान ढूंढ लेना है जहां पर आप सिर्फ बैठे, और वो भी ध्यान की पोजीशन में बैठे, ठीक है। बैठने के बाद आंखों को बंद कर लीजिए। जब आप आंखें बंद करते हैं ना, तो आपकी आंखों के बाहर, यानी आपने जब तक आंखें खोली थी, आपकी जो भी सबकॉन्शियस माइंड है, आपके पूरे दिन का रूटीन, आपके ये फ्रेंड वो फ्रेंड, आपके पास्ट में जो भी चीजें होती है वो तुरंत हमारे पास आ जाती है। यानी कि हम जैसे ही आंखें बंद करते हैं और कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, तो वो ध्यान नहीं लग पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 10 बार इनहेल और एक्सहेल करें, ठीक है। लंबी सांसों को खींचे, होल्ड करें, 60 तक गिने, शुरुआत में 60 सेकंड तक गिने, उसके बाद इसके अंक को बढ़ाइए। 60 सेकंड तक गिनने के बाद आपको इसको, जब सांसों को छोड़ते हैं तो बहुत ही आराम से छोड़िए। यानी आपने एक गोल्डन लाइट को लिया, अपने शरीर में प्रवेश कराया, और एक काले धुएं को आपने बाहर निकाला, समझ रहे हो? ऐसा आपको कल्पना करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है और आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। ऐसा आपको 10 बार करना है। जब आप 10 बार ऐसा कर लेते हैं, यानी इनहेल और एक्सहेल कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग अब थोड़ा शांत हो रहा है, ठीक है। शांत होने के बाद आपको करना क्या है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक में हम लोग सिखाते हैं लोगों को, बताते हैं लोगों को कि आप जो चाहते हो उसे अपने सामने फील करो और सपने की तरह, मूवी की तरह देखो कि वो चीज आपके साथ हो रही है या फिर होने के बाद आप कैसा फील करते हो। लेकिन आज की जो टेक्निक है इसमें आपको फील करना है कि आप अपनी ही मूर्ति को देख रहे हो, राइट? इसको कैसे देखें, आप समझो आंखें जब आप बंद करते हो तो आप अपने को जानते हो, और ठीक उसी प्रकार से आप आंखें बंद करने के बाद ऐसा सोचो कि आप खुद को ही देख रहे हो।
ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हो और शांत चित्त में आप बैठे हुए हैं। अब क्या करना है? अब आपको अपने से बातें करना है, यानी आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठकर शांत चित्त से आप अपने आप से ही बातें करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है मिरर टेक्निक, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि सो के उठने के बाद और सोने जाने से पहले, है ना, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बताई है। लेकिन ठीक यही चीज अगर आप सो के उठने के बाद या फिर सोकर जाने से पहले भी इसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 24 घंटे में कोई एक ऐसा समय आप ढूंढ लीजिए जिस समय आप खुद को टाइम देते हैं, यानी आप अपने से मुलाकात करते हैं। जी हाँ, ऐसा मैंने कहाँ सीखा था पता है? ऐसा मैंने सीखा था अपने रेकी मास्टर से। रेकी मास्टर ने मुझे कहा था कि आप सबसे पहले मैनिफेस्ट वही चीज करोगे जो आप खुद के साथ उसे पहले प्ले करते हो, राइट? यानी कि मुझे वो ड्रेस पसंद आया तो मैं उसे तुरंत कल्पना आ जाती है हमारे दिमाग में कि उसको उस ड्रेस को पहनूंगी तो मैं कैसे लगूंगी। अगर कोई हेयर स्टाइल देखती हूँ तो तुरंत हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि वो हेयर स्टाइल हम पे कैसा लगेगा, राइट? ये सारी चीजें क्या होती है, इंस्टेंट वर्क करती है और हम इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने आप से बातें करते हो ध्यान में, वो टाइम होता है सिर्फ आपका, आपके साथ जुड़ाव का। यहाँ इन लोगों के लिए मैं ये टेक्निक सिखा रही हूँ जिन लोगों की मैनिफेस्टेशन टेक्निक बड़ी स्लो होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ नहीं कर पाते हैं। तो पहले फिलहाल ये बेसिक चीज समझ लीजिए, आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जानना हुआ कि आप पहले अपने से तो बातें करो। 10 तरह की चीजें आती है दिमाग में, उसे जाने दो, आने ही दो उसे, ठीक है ना, जाने नहीं दो उसको, आने ही दो। अगर वो नेगेटिव थॉट्स है आते हैं, आने दो, हटाने की कोशिश मत करो। कोशिश करोगे हटाने की तो आपका दिमाग वहां पर चला जाएगा। अभी जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप अपने आप से बातें कर रहे हो, ठीक है। करते वक्त आपको क्या करना है, अपनी जो मूर्ति आपने देखी है, यानी आप जब ध्यान मुद्रा में हो और आप अपने आप को देख रहे हो तो सबसे पहले अपनी तारीफ शुरू करो। क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं आपके अंदर और कुछ बुरी भी चीजें हैं ना, तो उस पर भी काम करो। उस पर भी आप यही बोलो कि बड़ी कमाल की है, बड़ी खूबसूरत है, भगवान ने मुझे क्या दिया है, क्या बनाया है। तो इस तरह की चीजें आप बोलना शुरू करो। अब मानो आपका एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, आप अपने से बात करो कि आप अपने आप को देख रहे हो, वो पर्सन को भी आप देख रहे हो, उसके साथ आप कैसा मिलाप चाहते हो, किस तरीके का रिलेशन चाहते हो। तो ये सारी चीजें आप खुद देख रहे हो, ऐसा आपको सोचना है, कल्पना करना है। करने के बाद आप अपने आप को ये प्रॉमिस करो कि ये चीजें हो रही है, यानी आपको जो चाहिए, आप जो एफर्मेशन करते हो, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो डिजायर है, वो आप अपने से प्रॉमिस करो कि वो सारी चीजें पूरी हो रही है। और कुछ अगर नहीं भी हो रही है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ या करती हूँ कि ये चीजें पूरी जरूर होंगी। सिर्फ ये वादा अपने आप के साथ गजब का कमाल करता है, क्योंकि अक्सर हम लोग खुद से ही बात करना भूल जाते हैं और दूसरों के लिए 10 तरीके की चीजें मांगते हैं। लेकिन जब हमें खुद पर ही भरोसा नहीं होगा मैनिफेस्टेशन का, तो आप ये समझिए कि कोई भी चीज हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे जीवन में। तो उसे अगर अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए खुद से बात कीजिए, और खुद से बात करते वक्त बस बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, सिर्फ इतना कहना है आपका ड्रीम है उसे पूरा होने में अगर वक्त लग रहा है तो यही वो टाइम होता है, वही वो ध्यान का टाइम होता है जिस समय आपको अपने आप को ही ये बोलना है, ये कहना है कि आपकी डिजायर जो भी है, आपकी जो ड्रीम जो भी है, वो कंप्लीट हो रही है, वो अपने मार्ग पर है, वो आ रही है आपकी ओर द्रुत गति से, ठीक है, बहुत स्पीड के साथ आपके पास आ रही है। क्योंकि जब हम अपने आप को ये भरोसा दिलाना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो भी ड्रीम है, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो रही है, तो उस पर भी यूनिवर्स काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप के लिए मेडिटेशन में पहले बैठना सीखिए और अपने आप से पहले प्रॉमिस करना सीखिए, उसके बाद किसी चीज के लिए एकदम 100% होकर उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए। देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये सीक्रेट काइंड ऑफ होती है, क्योंकि ये हर कोई शायद फील नहीं कर पाता है या फिर हर कोई इसे बताना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें हैं, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पर गौर करेंगे, यानी खुद को भरोसा दिलाना, क्योंकि आपको आपके ड्रीम के लिए कोई भरोसा दिलाने वाला नहीं है,
तो आपको पहले तो अपने को भरोसा दिलाना है कि आप जो भी मांग रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है। अगर आप खुद को भरोसा दिलाते हैं तो यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग काम करता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये कहीं ना कहीं रहता है कि मुझे ये भरोसा है कि मेरे जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, वो पूर्ण हो रही है और जरूर होगी भी। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको समझने के लिए शायद आप लोगों को ये वीडियो दोबारा देखना पड़े। तो आप इसे दोबारा देखिए, समझ में नहीं आता है फिर से देखिए, लेकिन जब समझ जाएंगे तो ये खेल की तरह होता है और ये एक मज़ेदार चीज़ होता है। एक्चुअली मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊँ तो मैं इन सारी चीज़ों पर बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ, और जब मुझे मज़ा आने लगता है चीज़ों पर तो मैं देखती हूँ कि वो ऑटोमेटिकली मेरे रास्ते में नए नए मार्ग खोलना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे मेरे वर्क शेड्यूल रहते हैं और मेरा वर्क लोड रहता है, जिस वजह से शायद बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही दिन में आप लोगों के पास नहीं लाती हूँ। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें तोड़ तोड़ कर चीज़ें ला रही हूँ, ताकि आप लोगों के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद ही अट्रैक्ट करने के लिए सक्षम बन सके। तो ये टेक्निक जो थी कि खुद से प्रॉमिस करना, खुद को भरोसा दिलाना और खुद को खुद ही देखना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसको करके देखिए और कोई भी डिज़ायर हो उसे अपने आप में आप पाकर देखिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।